चल अच्छा गले मिले लास्ट टाइम एक बारी, ठीक है। प्यारा बच्चा सबसे प्यारा बच्चा, जाना है तूने, चलो जप्पी पाली प्यार हो गया, चलो अब जाओ, जय श्री राम, जाओ अब, जाना तूने। ये आप लोगों को इसकी शक्ल से पहचान आ गया होगा, ये वही बच्ची है जो पहले एक बार यहाँ पे नहर पे हमने रिलीज की थी और वापिस आ गई थी। ये जाना है, देखिए ये वही है भाई जो शुगर मिल से एक बार फिर दोबारा इसको रेस्क्यू किया था और आज फिर इसको दोबारा हमें इसके नेचर में छोड़ना पड़ रहा है ताकि ये सेफ रह सके। चलो जाओ, जय श्री राम। ये इसका बच्चा इसके साथ ही है। हेलो जी, जय श्री राम, भगवान आप सभी का भला करे। भाई आज इन दोनों तीन बच्चों को हम छोड़ने आए हैं। ये वो केस है जो हम 10 बार इसको रिलीज कर चुके हैं, ये 10 बार वापस आ गई है, किसी न किसी के माध्यम से आ जाती है, और 6 बार ये अपने आप आई है, 4 बार ये कोई किसी फैमिली के पास चली गई थी क्योंकि ये घर में पले हुए मुमकिन है। और ये वो थी जिसको डॉग्स ने बाइट कर लिया था, इसका हिस्सा बिल्कुल खत्म था, तो आज इसको हम यहाँ पे रिलीज करने आई है। ये इधर काफ़ी सारे मुमकी हैं यहाँ पे, बहुत सारे, पहले हम इसको खाने यहीं डालने आते थे, तो अभी यहाँ कुछ पेड़ कम हो गया तो इसको अभी हम छोड़ने आए हैं फिलहाल, और इसको अभी रिलीज कर रहे हैं। बाकी इसका देखते हैं ये जाती है नहीं, वो इसको पता होगा। और ये बच्चा इसने शेल्टर पे ही दिया है फिलहाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको वैसे ये काटती नहीं है और स्टार्टिंग से इसको ये पता है भाई इसकी सेफ्टी, इसको बांध के इसलिए लेके आए हैं ताकि ये सड़क पे हाईवे पे किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। हाँ लेके सो ये लक्की एक बार क्लोज लिया, आ जा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा बताओ। हाँ जाना है तूने। ये आप लोगों को इसकी शक्ल से पहचान आ गया होगा, ये वही बच्ची है जो पहले एक बार यहाँ पे नहर पे हमने रिलीज की थी और वापस आ गई थी ये। हाँ ये देखिए इसको बच्चा उंगली पे काट रहा है, इसको अपने बच्चे की फिक्र है, और इसने ये बच्चा शेल्टर पे ही दिया है, और अब हम इसको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि इसकी सेफ्टी बनी रहे, और ये केज में ज़्यादा लंबे टाइम हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, और इनका जो नेचर है वो जंगल पेड़ पौधे फल फ्रूट ही है ताकि ये अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, अच्छे से रह सके। और वैसे मन नहीं करता ऐसी स्थिति में इस टाइम पे इनको छोड़ने का, बट एक अटैचमेंट हो जाती है, और तकरीबन ये सबसे लंबे टाइम तक इसी बंदरी का टाइम रहा हमारे पास कि कोई इतने लंबे टाइम तक हमारे पास रही है। इस केस का भी मैं आपको अपडेट दूंगा, ये कहाँ से रेस्क्यू की थी, कैसे आई थी। तो पहले इसको फिलहाल मैं एक बार आज़ाद कर रहा हूँ, जाने अपने छोड़ दूँ। हाँ हाँ क्या हुआ ये ले, अच्छा जाना अपने छोड़ दूँ, जाना है। देखिए ये वही है भाई जो शुगर मिल से एक बार फिर दोबारा इसको रेस्क्यू किया था और आज फिर इसको दोबारा हमें इसके नेचर में छोड़ना पड़ रहा है ताकि ये सेफ रह सके। चलो जाओ, जय श्री राम। ये इसका बच्चा इसके साथ ही है और इसको कर दिया फिलहाल फ्री, ये कहाँ जाने इसने वो इसको पता है। और चल तू भी जा, आ जा आ जा भाई, एक को कर दिया रिलीज, पीछे बैठी है। और हमने अपनी टीम के 2 बच्चे केसो और एक वो दिखा दे भाई कितने दूर बैठे हो, परली तरफ पहुँचा रखे ताकि बाइट ना करें, ध्यान ना पहुँचाए। और इसको भी हम अभी रिलीज़ कर रहे हैं, ये खोल दी इसकी रस्सी, ये हमने हल्की सी बांध दी थी ताकि ये अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। तूने जाना है, तेरा मन नहीं जाने का, बता जाना है तूने। ये भाई मेरे को तो कुछ नहीं कहती, बाकी और का मुझे पता नहीं, जाना है तूने, बता मन है क्या नहीं, ये बता दे, मन है तो ठीक है, नहीं है तो बता दे। चलो अच्छा गले मिले लास्ट टाइम एक बारी, ठीक है। प्यारा बच्चा सबसे प्यारा बच्चा, जाना है तूने, चलो जप्पी पाली प्यार हो गया, चलो अब जाओ, जय श्री राम, जाओ अब ऐश करो, आ जा चल जा, केले ले जा ले, अब मैं नहीं लेके जाने का तेरे को, ये ले इधर आ, लक्की पीछे ना जंप मार जे तू। चलो भाई इसको कर दिया आजाद, अभी हम चल रहे हैं फिलहाल, और ये मैडम होगी अब फ्री। चलो जय श्री राम, जय बजरंगबली भाई, दोनों को कर दे आजाद। लो पाजी चलो आप उठाओ, जा उनको बिठा ला भाई, हमारे 2 बच्चे इतनी दूर पहुंचा दिए हमने, देखो ये देव और केशव है, ये बच्चों की तरफ काटने को आती है, वैसे कुछ नहीं कहती। तो फिलहाल इसको कर दिया हमने आजाद, ये भी चल दिया मैडम, चल जा घूम ले, सुना नहीं। चलो जाऊं मैं फिर, बाय कर दो बाय कर दो, मैं जा रहा फिर। ये साथ साथ चल रही है ताकि मैं इनके साथ जाऊं, वो देख लो पाजी के साथ साथ चल रही है।
कहाँ नहाने चली तू, कहाँ जा रही तू उधर नहाने? जाओ आगे ले जाओ तुम, चलो केले दे दे पाजी, इसका गुच्छा दे दे, इस बच्चे का ध्यान रखिए, ठीक है? केले दे दे इसका, ले खा ले, ले खा ले, और दे दे पाजी, और दे दे केले, और दे दे, ले भाई तू भी ले। खिला दे सारे, दे दे, कोई दिक्कत नहीं, डाल दे खा लेंगे। ठीक है, अब आजाद रहना तुमने, इन दोनों को कर दिया भाई फिलहाल आजाद, और ये अपने बच्चे के साथ है, सेफ रहे, बस यही चाहते हैं, क्योंकि बड़ा मन दुखता है जब छोड़ते हैं ना, मन नहीं है, बट इनकी जो नेचर, इनकी रियल लाइफ है वो जंगल है, और इनको टाइम से रिलीज करना जरूरी है, क्योंकि हम लंबे टाइम के लिए इनको कैद में नहीं रख सकते, हमें सिर्फ मजबूरी में रखना पड़ता है ताकि इनकी लाइफ सेफ हो उसके। ठीक है बाबू, जाऊँ मैं, जाऊँ, अच्छा बाय तो कर दे, चल दी ना, अपने बच्चे की टेंशन है, चलो भाई, जय श्री राम, चलो पाजी बाय बाय, टाटा टाटा टाटा, देखे आली भाई आ लिया तो भागी आ रही है तो बाय बेबी। भाई साहब आपको देख कैसे देख रही, वही है, हाँ पहचान लिया तूने, पहचान लिया, चला वही है भाई, आप भी बताना, ये वही लग रही है आपको, डिफरेंट वही है भाई, अखों पानी आ गया, ये काजल लगाई तेरे को, ये देखियो वही है, वही है भाई साहब, लास्ट टाइम वीडियो वायरल हो रही ना उसमें ऐसी थी, हाँ मैं देखो मेरी आंखों, देखियो चेक कर, मैं वही हूँ जो तेरे को ठीक कर गए, जख्मी आई थी हमारे पास, अभी भी पैर में है इसके, तेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा सच्ची में यार, बाय गॉड कितना क्यूट बच्चा, देख मेरे गले मिल रहा, ओए ओए। अच्छा सुन, तेरी पहले कैसी कंडीशन थी, यहाँ से सारा जख्मी था ना, जख्मी थी ना, बहुत गंदी कंडीशन में आई थी ना, ठीक हो गया अब हम, मेरी आंखों में देख रही हो भाई साहब, यो प्यार है ना, जाओ देखियो फिर चाबी ऑन कर तो बैठ गई, ओ भाई साहब ये नहीं छोड़ रही यार, ना आंखों में काजल लगा देता, वैसा मेरे को पहचान में नहीं आई है, और मेरा डाउट अब यकीन में बदल गया, ये देखो वही सेम सेम प्यार है इसका पहले एक तरह, और ये हम तीन बार फ्री कर चुके इसको, तीनों बार ये चौथी बार हमारे पास आई है, और हम ये नहीं चाहते अब इसको कहीं ऐसी जगह फ्री करे कि भाई ये कहीं इसको नुकसान हो, बाकी ये सेम वही है जो, ये बात ये इसका प्यार है भाई। राम राम जी, क्या आपको भी ये वही बंदरी लगती है जो एक वीक पहले हम लोगों ने शुगर मिल की नहर के ऊपर इसको फ्री किया था, क्योंकि ये जख्मी हालत में हमारे पास आई थी, और ठीक होने के बाद इसको हम लोगों के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी, और ये जब भी इसको फ्री करने जाते थे तो ये वापस मुड़ के आ जाती थी, तो इसके तीसरे टाइम के बाद अभी ये चौथा टाइम है कि हमारे पास कल वीरवार को कॉल आया कि एक शुगर मिल पे एक गोडाउन के अंदर एक बंदरी ने काफ़ी परेशान किया हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाड़ दिए और काफ़ी सारा नुकसान कर दिया, तो हम इसको जब वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे तो इसने एक भाई को ही टारगेट किया था, ये आगे पीछे सिर्फ उसी के पीछे पड़ी हुई थी, मुझे ये सेम लग रही है आपको भी, पीछा कर रहा है पर, पीछा कर रहा है पर। राम राम जी, भगवान आप सभी का भला करे भाई, ये केस आया था अभी शुगर मिल के पास से, और अभी फिलहाल इसके गले में रस्सी है, और एक भाई देखो कहाँ चढ़ा रखा, क्या नाम है भाई आपका, मोनू भाई है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, और ये इस भाई के पीछे पड़ी है, इस गोडाउन में घुसी थी, लेकिन यार मेरे को इसकी आंखों में काजल लगा हुआ लग रहा है ना, है आजा 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 मेरे बच्चा आजा, इधरा 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 इधरा, ये गौरव की तरफ ना, जल्दी हो, नहीं नहीं कोई नहीं काटते नहीं, मैं करता हूँ, आ जा मेरे पास, आ जा आ जा मेरे बच्चा, आ जा इधर आ इधर आ, मेरे को तो वही लग रही यार, इधर आ बच्चे, डरा नहीं कुछ नहीं कहेगी, डरा नहीं बस, डरना नहीं, आ जा मेरे पास, आ जा इधर आ इधर आ, ले गोरे पकड़ भाई, भाई ये कॉल आया था मेरे पास इन भाइयों का कि भाई एक ऐसे ऐसे बंदरी है, और ये मेल है फीमेल है, वैसे फीमेल ही है, मेरे को तो डाउट वही लग रहा जो हमने छोड़ दी थी, ये अभी इसको शुगर मिल पे छोड़ के गए थे अभी हम 5-7 दिन पहले, है हाँ शुगर मिल पे, तो ये तो छोड़ भी नहीं रही थी उस टाइम,
लो भाई अभी फिलहाल इसको ना एक बारी देखते हैं, पहले वो ही है क्योंकि इसकी आंखों में ना काजल लगा रखा है। उसने पंडित तो पूछे एक बारी मंदिर में जहाँ थी, करियो फोन, नंबर नहीं है। आ जा भाई तू नीचे आ जा, अब नहीं कुछ कहेगी। इसमें नहीं कुछ भी आएगा, छोड़ छोड़ देना। ये मैंने बाल कटवा लिए ना, मैंने दाढ़ी भी कटवा ली शायद इस वजह से मेरे को पहचान भी नहीं करे। और भाई इस भाई का पीछन छोड़ रही है, इस भाई के साथ ही घूम रही है। आजा आजा मेरे बच्चे, आजा आजा इधर आजा 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 मेरे पास आजा 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 चलो आजा इधर आजा। हाँ बता इधर इधर। हाँ चल, ये कौन है बंदा, ये भाई कौन है, ये वही है क्या? अभी एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैं बता दूँ वही है, दूसरी है। चिंता ना कर, पकड़ वही है, पकड़ वो नहीं है, वो तो इतनी देर में तो कर देते ही पहले, क्योंकि हमने तो चेक करी ना। क्या हुआ तेरे को, दिखा ये काजल लगा है तेरे को, ये देखियो वही है, वही है भाई साहब। लास्ट टाइम वीडियो वायरल हो रही ना उसमें ऐसी थी। हाँ ले मैं देखो मेरी आंखों, देखियो चेक कर, मैं वही हूँ जो तेरे को ठीक कर गई, जख्मी आई थी हमारे पास अभी भी पैर में है इसके। दिखाओ दिखाओ यहाँ पे, हाँ वही है भाई वही है। कहाँ चली गई थी, इतना ढूंढा तेरे को, इतने दिन हम खाना देने के लिए आए हैं, कहीं मिली भी नहीं तू, देखिए वही है तू। सिर सिर कर इसके नीचे एक बार, सिर कर भाई वही है, सिर कर एक बार इसके नीचे, बोल रस्सी बांध इधर लग जाएगा, सिर का सिर कर इसके नीछे, यहाँ बैठ यहाँ बैठ यहाँ बैठ, छाती का चिपकेगी। आशीर्वाद दो इतनी देर, ये इसके आंखों में ना काज लगा रखे, देख लो उससे दिखाता हूँ, ये किसी फैक्ट्री में घुस रही है, शुगर मिल सागर मिल में ना काज लगवा रखे आंखों में, देख इतनी देर में तो काट जाता नॉन बंदर होता, वही है ये। लो भाई ये मिल गया फाइनली, बड़ा ढूंढा हमने इसको ना, हम खाना छोड़ तो गए थे इसके बिना तो जीन लगे था हमारा, यूरोन लग गया था, छोड़ तो गया इसको, ये बोले यार पवन छोड़ना नहीं था यार, मन नहीं लग रहा उसके बिना, एक बार चलते रात रे भी देखे इसके चक्कर में, तो और बंदरों तक खाना डाल गया, छोड़ देंगे अभी, यहाँ नहीं छोड़ते, किस किस के पीछे पड़ रही थी, किसी के नहीं, बस इसी के पीछे वही है भाई। आप भी बताना, ये वही लग रही है आपको, डिफरेंट पानी आ गया बच्चा, ये बहुत गंदी कंडीशन में पृथ्वी विहार से रेस्क्यू करी थी हमने इसको, सारा ये कुत्तों ने पाड़ रखा था इस पर, 1.5-2 महीना लगा ठीक करी हमने प्रॉपरली, उसके बाद इसको बिचारी को अटैचमेंट होगी, इसको कई जगह छोड़ के आए हम, ये चौथी बार आ रही है वापिस, ये जाने ही जा रही मेरे ख्याल से, एक बार तो मंदिर में छोड़ के शुगर मिल के पीछे, मंदिर नहीं हनुमान मंदिर, वहाँ वहाँ लोगों का जीना काम कर दिया, बड़े गाँव ले गए हम जंगल में, वहाँ छोड़ने गए, वहाँ इसने डर के मारी लैटरिंग कर दी सारी गाड़ी सुसा दी थी, अब तीसरी बार यहाँ छोड़ गए, चौथी बार आई है, होगी ना पहचान, पता लग गया बच्चों को देख के, कोई नहीं रस्सी तो अभी बंद ही रहने दे, किन्ने बंद है, अच्छा ये या तो कोई ना लेके जा रहा हो भाई साहब, वही है तुम, वही है ना, वही है, ये वही वाली है जो शुगर मिल पे अभी हमने फ्री किया था कुछ दिन पहले, और ये पता नहीं लापता होगी थी वहाँ से, उसके बाद हम इसको खाना डालने गए लेकिन हमें वहाँ मिली नहीं है, और अभी हम लोग सरदार जी को जब मेरे पास कॉल आया कि भाई शुगर मिल पे एक बंदरी है और काट रही है किसी को, और उसको चोट लगी है पैर में, वो बार बार पैर को चाट रही है, तो मैंने वीडियो मंगाई, वीडियो देखने के बाद मेरा डाउट क्लियर हो गया कि शायद ये वही है, लेकिन इसका जो मुँह है ना, ये सारी चीज़ें क्लोज लगा, एक बारी और क्लोज लगा, इसके मुंह पे ना कालस लगी हुई थी, जैसे कोई वो कर देता ना आंखों में काजल लगा देता वैसा, मेरे को पहचान में नहीं आई है, और मेरा डाउट अब यकीन में बदल गया, ये देखो वही सेम सेम प्यार है इसका पहले एक तरह, और ये हम तीन बार फ्री कर चुके हैं इसको, तीनों बार ये चौथी बार हमारे पास आई है, और हम ये नहीं चाहते अब इसको कहीं ऐसी जगह फ्री करें कि भाई ये कहीं इसको नुकसान हो, बाकी ये सेम वही है जो, ये बात ये इसका प्यार है भाई, ये वही है जो जख्मी थी बहुत गंदी कंडीशन में, और फिलहाल ये ठीक हो चुकी है बिल्कुल,
बट आज इसको थोड़ी पैर में चोट लगी है, पैर को चाट रही है, और ये इसका प्यार है देखो। पाजी ये तो सारी जोड़ ढूंढेगी आज, ये ना तो केला खा रही है भाई, केला खा रही ये केला खा, केला खा। ये रस्सी भी बल्कि ना जो भाई हो रहा है शुगर मिल के पास वो जगह थी गोडाउन, वहाँ गोडाउन में उन्होंने बताया कि ये रस्सी ऑलरेडी किसी ने बांध रखी थी। शायद ये जब हम इसको शुगर मिल पे फ्री करके आए नहर के ऊपर, कोई बंदा इसको लेके चला गया होगा और आई थिंक उसका नुकसान पहुँचा के वापिस आ गया है। और ये शायद कुदरत का करिश्मा है जो चौथी बार हमारे पास वापिस आ चुकी है। शायद भगवान भी नहीं चाहता इसको कि कहीं ये हमसे दूर जाए, लेकिन हमें दिक्कत ये है कि हम जब शेल्टर पे इसको रखते हैं पीछे से किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे या किसी को बाइट ना कर दे, क्योंकि ठीक केस को शेल्टर पे रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। और पहली बात तो हम डॉग हो कैट हो कोई भी केस हो हम रखते नहीं है, उसका कारण यही है क्योंकि शेल्टर एक बीमारी का घर होता है, हर तरह के केसेस आते हैं वहाँ पे और हम नहीं चाहते कभी किसी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। तो फिलहाल इसको हम रेस्क्यू करके ले तो आए, अब हमें ये टेंशन है कि आगे इसकी सेफ्टी के लिए इसको कहाँ फ्री करें, फ्री करेंगे लेकिन उससे पहले हमें जगह देखनी पड़ेगी। बाकी एक बारी मैं सरदार जी को बुलाता हूँ, सरदार जी अभी काम में बिजी है थोड़ा। हाँ पाजी फ्री हो गए हो तो आना दो मिनट के लिए। इतना भाई ये मेरे साथ प्यार जता रही है, देखो गोरो की हवा टाइट करके है, गोरो अभी भी डर रही से छोड़ दे। अच्छा तो मेरे बच्चा है, हमारा बच्चा है तू, ये बता छोड़ के क्यों भेजी, ये बता क्यों भेज छोड़ के भेज दिन उस दिन, आज के बाद जाना है छोड़ के, अरे चाटे लगेंगे। चोट कहाँ पे थी? अच्छा चोट दिखाओ पहले, चोट लगी थी भाई। ये हिस्सा इसका बिल्कुल ख़त्म था, ये वाला हिस्सा कुत्तों ने बिल्कुल फाड़ रखा था। इसके यहाँ पे जो स्किन है अब बाल भी आ चुके हैं, इस पर कम से कम हमारे 1.5 से 3 महीने के अराउंड लगे हैं, 2 से 3 महीने। कौन है ये, किसको देख रही है, मेरे को नहीं किसी और को देख रही है, आगे पीछे कौन है, कौन दिख गया इसको, कौन दिख गया, कबूतर वगैरह दिख रहा है इधर भी, चल चल रहा हमारे साथ, आ जा चल चलते आ जा चले, कौन दिख गया तेरे को, तेरे को काजल किन्ने लगाई है पहले बता, काजल किन्ने लगाई, आ जाओ पाजी, ले पाजी से मिलवाते हैं अभी एक बारी, पाजी ढाबे पे ही है अभी, सरदार जी के पास कॉल किया तो पाजी बिजी थे ढाबे पे, और फिर मैं गौरव भाई को लेके गया इसको रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो भाई था जो जिसने हमें कॉल किया था ये सिर्फ एक बंदे को टारगेट कर लेती है, और जो दूसरा बंदा था वो तो डर के मारी भाग ही रहा था बेचारा, ऊपर सब पे चढ़ाया था इसने, कहता क्लिप में देख सकते हैं आप, हेलो मिलाओ, हेलो मिलाओ, हेलो हेलो मिलाओ, अच्छा हेलो कर, चल रहे हैं हमारे साथ, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं क्या बता, हेलो भैया मैंने डाउट हो रहा था भाई ये सेम वही नहीं है, अब सरदार जी क्लियर कर देंगे। पाजी ये वही बच्ची है जो छोड़ गए थे, वही है, वही है ये, क्या प्रूफ, क्या प्रूफ, ये है इसका, ये देखो बस ये इसका प्यार है गले लगने का भाई। जब हम शुगर मिल पे गए तो हमें एक बार तो डाउट था कि शादी वो नहीं है, क्योंकि इसकी आंखों में ना काजल लगा हुआ था, बाकी इसका देखने का नजरिया प्यार करने का तरीका सेम वही है जो पहले था। और फिलहाल इसको आ तो गई है हमारे पास, हमें हमने काफी ढूंढा भी इसको, और गौरव तो उस दिन बड़ा रोया, गौरव क्या कह रहा था उस दिन, भाई मन नहीं लगा इसके बिना, मन नहीं लगा था इसका भाई का, क्योंकि इसको ना एक अटैचमेंट, और लक्की भी आ गया, ओए लक्की भी आ गया, ओए और देखे एक मिनट लक्की की तरफ करियो, ओए कौन है, लक्की भी आ गया स्कूल से, वो नहीं है दूसरा है लक्की, बदल गई आ रही था ना अब तो, काटने को आती है लक्की की तरफ, गर्म है भाई का, दिखाई लक्की की तरफ एक बार, पहचान कर रही है, पहचान कर रही है, आइयो आप पहचान गया, अरे आ तो जा आप पहचान, कौन है, कौन है ये, कौन है, कौन है, जा लक्की के साथ जा, साइकिल छोड़ के भाग लिए भाई, चलो भाई चला बस, हमें क्लियर करना था अभी, ये वही है या दूसरी है, ले गौरव ले ले उठा ले चलते हैं, ये प्यार था इसका, ये वापिस मुड़ा, ये चौथी बारी आई है वापिस, ठीक है मुंह देख कैसा कर रखा, बाकी पता नहीं भूखी प्यासी है क्या रही, चलो भाई आ जाओ।